सिर्फ कितने लोग मतपेटी में मत डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं। दुर्भाग्य से कई वर्षों तक हमने लोकतंत्र को यहां सीमित कर दिया कि 5 साल में एक बार जाना, डिब्बे में पर्चा डाल देना या बटन दबा देना, और फिर सरकार जो भी चुन करके आए, जो भी बॉडी चुन करके आए, पंचायत जो चुन करके आए, वो हमारा 5 साल में भाग्य तय करेगी। मैं समझता हूं लोकतंत्र को इतना सीमित नहीं सोचा जा सकता। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण काम जरूर है तो जो अपनी पसंद की सरकार चुने, लेकिन लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले, जन भागीदारी से गांव की विकास यात्रा चले, जन भागीदारी से नगर की विकास यात्रा चले। और इसलिए जनता के साथ सरकार का संवाद अनिवार्य होता है, जीवंत संवाद होना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट गाइडलाइंस जानी चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट होती है तो योजनाएं, नीतियां और बजट एलोकेशन सही टारगेटेड जगह पे सारी चीजें हो सकती है। और इसीलिए आज एक मोबाइल ऐप के द्वारा, ग्रामीण संवाद के द्वारा, गांव का व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सही जानकारी ऊपर तक पहुंचा सकता है और ऊपर से सही मार्गदर्शन लास्ट मैन तक सीधा पहुंच सकता है। और उसके कारण वहां स्थानीय इकाई जो सरकारी रहती है उन पर भी दबाव पैदा होता है, क्योंकि गांव का व्यक्ति कहता है कि बाबू आप कहते हैं ये योजना, लेकिन मेरा मोबाइल फोन तो कहता है कि ये योजना है, आप बताइए हमारे यहां क्यों लागू नहीं हुई। ये जनता को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा काम इस मोबाइल ऐप के द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जनता के साथ संवाद बढ़ाते हुए, उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए काम को दिशा देना, गति देना, उसकी दिशा में हम